हेलो नमस्कार और आप देख रहे हैं आंखों देखी। केके कॉम्पिटेटिव की ओर से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। शेरघाटी शहर के नूतन नगर में स्थित केके कॉम्पिटेटिव क्लासेस के प्रांगण में मैट्रिक एवं इंटर में बेहतर अंक लाने वाले छात्र एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कॉम्पिटेटिव क्लास के डायरेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि डोभी प्रखंड के नेहटा गांव निवासी दिलशाद रजा ने 82.2% अंक लाकर अपने कोचिंग सहित डोभी प्रखंड का नाम रोशन किया है। कोचिंग में पढ़ने वाले और अन्य छात्र एवं छात्राओं ने भी अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिन्हें भी सम्मानित किया गया, जिसमें तनवीर आलम, वैष्णवी कुमारी, प्रियांशु कुमार, प्रीतम कुमार, प्रेम कुमार इत्यादि शामिल हैं। वहीं मीडिया के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को लेकर मीडिया बंधुओं को भी सम्मानित किया गया। आज टेंथ और इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए बच्चों को सम्मान समारोह किया गया है। इस कोचिंग एक लड़का था विशाल राजा, जो डोभी प्रखंड टॉप किया है। साथ साथ पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया है। मैं सभी के बच्चों लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ साथ पत्रकार बंधुओं को भी मैं उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ कि कोरोना काल में हम लोग चार दिवाली में बंद रहे, लेकिन कोरोना काल में हम लोग का मैसेज न्यूज पेपर के माध्यम से हम लोग को सूचना पहुंचाते रहे। इसी के उपलक्ष्य में मैं पत्रकार बंधुओं को साथ साथ छात्राओं का सम्मान समारोह किया गया है। मैं के कॉम्पिटेटिव के डायरेक्टर कुंदन कुमार और मेरा ग्राम नेहटा है। मैं 83% लाकर डोभी प्रखंड टॉपर बना हूँ। इन सभी का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे के कॉम्पिटेटिव के स्कूल कुंदन सर को जाता है। और मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, मगर जो भी पढ़ा वो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा, बिहार बोर्ड के हिसाब से पढ़ा, और क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिला। और इस साल जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझें। इतना कम समय में कैसे स्ट्रगल कर पाया? सर, मेरे पीछे एक बहुत सोच था, मतलब शुरू से सोच था कि हमको कहीं ना कहीं टॉपर बनना है। मतलब शुरू से ये सोच रहा था कि हम फर्स्ट नहीं आएंगे, जब भी आएंगे तो टॉपर। अब स्टूडेंट लोगों का आपने कैसे वो प्रमोट करना चाहिए क्या सर? अपने जो सहयोगी आप जो है स्टूडेंट को आप किस तरह उसका उत्साहित करना चाहिएगा? सर, मैं तो यही कहूँगा कि बस अपने पीछे कोई ना कोई सोच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी उसी वक्त मिलती है जबकि आपके कोई रीज़न हो आपके पास। बिना रीज़न का आप पढ़ते रहिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक रीज़न बनाइए अपने लाइफ का और उसके बाद फिर उसको पूरा करने की कोशिश। अपना परिचय? मेरा नाम मोहम्मद रिशाद रजा है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अली सिराफ था। मेरा ग्राम नेहटा प्रखंड डोभी जिला।